चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली के लिए खाद एवं उर्वरक के बारे में। खाद एवं उर्वरक मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स खाद की बात करें तो बुआई से 4 सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद एवं कंपोस्ट का प्रयोग करें। फ्रेंड्स बुआई से 4 सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद व कंपोस्ट का प्रयोग करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो बुआई से पूर्व 30 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन छिहत्तर किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 310 से 375 किलोग्राम SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और 40 से 80 किलोग्राम MOP एवं 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली की सिंचाई के बारे में यानी कि मूंगफली में सिंचाई किस प्रकार की जाए। यानी कि इरिगेशन फ्रेंड्स मूंगफली ग्रीष्मकालीन पौधा होता है इसलिए इसमें सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स वर्षा नहीं होने पर 1 से 2 सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा न होने पर 1 से 2 सिंचाई करना चाहिए। फ्रेंड्स पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह पर करें। पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह पर करें। एवं आखिरी सिंचाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह पर करें। आखिरी सिंचाई अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स यदि खेत में खरपतवार हो तो 1-2 गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार होने पर
एक दो गुड़ाई करें एवं फसल में सुइया बनने के बाद यानी कि 40 से 45 दिन बाद गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। सुइया बनने के समय बाद गुड़ाई नहीं करें। फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नियंत्रण हेतु बुआई के 20 से 25 दिन बाद क्यूनालफोस 5% ईसी की 1000 ml प्रति हेक्टेयर दवा की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण बुआई के 20 से 25 दिन बाद क्यूनालफोस 5% ईसी की 1000 ml प्रति हेक्टेयर दवा की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली के रोगों के बारे में यानी कि डिजीज। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं टिक्का रोग के बारे में। फ्रेंड्स, यह सरकोस्पोरा पर्सोनेटा नामक फफूंद द्वारा होता है। सरकोस्पोरा पर्सोनेटा नामक फफूंद द्वारा होता है। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं। रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के धब्बे के समान दिखाई पड़ते हैं। और पत्ती की निचली बाह्य त्वचा और पत्ती की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाएं समाप्त होने लगती है। पत्ती की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाएं समाप्त होने लगती है।
फ्रेंड्स यह प्रारंभ में पीले घेरे द्वारा घिरी होती है। प्रारंभ में यह पीले घेरे द्वारा घिरी होती है। फ्रेंड्स इसके नियंत्रण के लिए 22 टिन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। नियंत्रण 22 टिन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। उपचारित करें। फ्रेंड्स इसके अलावा मैंगो जेब 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 40 दिन बाद छिड़काव करें। मैंगो जेब 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 40 दिन बाद छिड़काव करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रोग है जड़ गलन रोग। जड़ गलन रोग फ्रेंड्स इस रोग से ग्रसित पौधे पीले पड़ जाते हैं। ग्रसित पौधे पीले पड़ जाते हैं। जड़ों के पास मकड़ी के जाले के समान फ्रेंड्स जड़ों के पास मकड़ी के जाले के समान सफेद रचना दिखाई पड़ती है। जड़ों के पास मकड़ी के जाले के समान सफेद रचना दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स इस रोग से प्रभावित पौधे में दाने सिकुड़े हुए एवं पूरी तरह से सड़ जाते हैं। प्रभावित पौधे में दाने सिकुड़े हुए व पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 6 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें।
फ्रेंड्स नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करें। एवं 22:0.3% का जमीन एवं फसल पर छिड़काव करें। जमीन व फसल पर छिड़काव करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं इसके कीट के बारे में, यानी कि इंसेक्ट। फ्रेंड्स कीट के बारे में बात करें तो सफेद लट, फ्रेंड्स यह लट मुख्य रूप से जड़ों एवं पत्तियों को खाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। लट पत्तियों व जड़ों को खाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। फ्रेंड्स इसके नियंत्रण के लिए बीज को क्लोरीपायरीफॉस से 450 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। क्लोरीपायरीफॉस 400 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फ्रेंड्स इसके अलावा 4 लीटर क्यूनोल फोस व क्लोरोपायरी फोस का खड़ी फसल में छिड़काव करें। 4 लीटर क्यूनोल फोस व क्लोरोपायरी फोस का खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली की उपज के बारे में। फ्रेंड्स मूंगफली से उपज गुच्छेदार किस्मों से मूंगफली में उपज 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर मिलती है। गुच्छेदार वाली इसमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। एवं फैलने वाली
फैलने वाली मूंगफली में 15 से 17 टन, 17 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, मूंगफली में विषैला तत्व होता है जिसका नाम है अफ्लाटॉक्सिन। फ्रेंड्स, यह एस्परजिलस फ्लेवस कवक द्वारा होता है। अफ्लाटॉक्सिन फ्रेंड्स यह विषैला तत्व होता है जो एस्परजिलस फ्लेवस कवक द्वारा अधिक नमी पर मूंगफली को भंडारित करने पर होता है। मूंगफली को भंडारित करने पर होता है। दोस्तों, इसलिए मूंगफली का भंडारण 6 से 8% नमी पर करना चाहिए। भंडारण 6 से 8% नमी पर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा मूंगफली का चैप्टर भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।